अहंकार न कीजिए। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी को अहंकार हो गया कि उनसे बड़ा कोई विष्णु भक्त नहीं है। यह बात भगवान विष्णु को भी समझते देर न लगी। उन्होंने सोचा, देवर्षि नारद जी का अहंकार तो शीघ्र तोड़ना पड़ेगा। एक दिन देवर्षि नारद जी नारायण नारायण कहते हुए विष्णु जी के पास पहुंचे। उस समय भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजमान थे और लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही थी। नारद जी ने पूछा, भगवान कृपया करके बताइए कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? देवर्षि, आप यह क्यों पूछ रहे हैं? वैसे भी भक्त छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि भक्त तो भक्त ही होता है। विष्णु जी बोले, लेकिन मैं फिर भी आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? नारद जी बोले। विष्णु जी नारद जी की बात सुनकर मुस्कुरा दिए। वे समझ गए, नारद जी मन ही मन यह चाहते हैं कि मैं यह कहूं। नारद जी, तुम ही मेरे सबसे बड़े भक्त हो। तब विष्णु जी ने यह सोचा कि यही समय है जब मैं नारद जी का अहंकार तोड़ सकता हूं। बेझट से बोले, देवर्षि, मेरा सबसे बड़ा भक्त तो रामू नाम का एक किसान है। नारायण नारायण, यहां आप क्या कह रहे हैं भगवान? क्या मैं आपका सबसे बड़ा भक्त नहीं हूं? एक किसान आपका सबसे बड़ा भक्त है? नारद जी ने कुछ हैरानी से कहा। उनके अहंकार को चोट लगी थी। मैं यह कब कह रहा हूं कि आप मेरे परम भक्त नहीं हैं, बल्कि मैं यह कह रहा हूं कि रामू किसान मेरा सबसे बड़ा भक्त है। आप ही ने तो मेरे सबसे बड़े भक्त का नाम पूछा था ना, यह उसी का तो जवाब है। विष्णु जी मुस्कुराकर बोले, मैं उस भक्त से मिलना चाहता हूं। नारद जी बोले, ठीक है, तो पृथ्वी लोक जाओ और उससे मिलो और जानो कि वह क्यों मेरा सबसे बड़ा भक्त है। विष्णु जी ने कहा, ठीक है भगवान, मैं पृथ्वी लोक जाकर उससे मिलता हूं। नारायण नारायण। नारद जी ने कहा, लेकिन आपको मेरा एक काम और करना होगा। वह क्या भगवान? आज्ञा दीजिए। आप इस दूध से भरे कटोरे को अपने साथ ले जाइए और ध्यान रखिएगा कि एक भी बूंद इसमें से गिरने न पाए। ध्यान रखूंगा भगवान। यह कहकर नारद जी ने दूध के कटोरे को उठा लिया और पृथ्वी लोक की ओर चल दिए। सारे रास्ते उनका इसी बात पर ध्यान रहा कि कहीं दूध कटोरे में से छलक न जाए। दूध का कटोरा हाथ में लिए वे सीधे रामू किसान के घर पहुंचे। उन्होंने घर में झांक कर देखा। रामू किसान ने सुबह सवेरे उठकर शौचादि से निपटकर स्नान किया और भगवान के आगे हाथ जोड़कर पूजा की और खाना खाकर खेत की ओर चला गया। सारा दिन उसने खेत में मेहनत की और दिन ढले अपने घर पहुंचा।
घर पहुंचकर उसने सबसे पहले हाथ मुंह धोया और भगवान के आगे हाथ जोड़कर पूजा की और खाना खाकर सो गया। यही उसकी दिन भर की दिनचर्या थी। नारद जी यह देखकर बहुत हैरान हुए कि मैं सारा दिन नारायण नारायण करता रहता हूं और तब भी विष्णु जी का सबसे बड़ा भक्त नहीं हूं। और यह है कि सिर्फ दिन में दो बार भगवान की पूजा करता है और उनका सबसे बड़ा भक्त बन गया है। यह सोचते हुए वे स्वर्ग लोक की ओर चल दिए, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी ध्यान रखा कि कहीं कटोरे में से दूध छलक न जाए। स्वर्ग लोक में पहुंचकर वह सीधे विष्णु जी के पास पहुंचे। क्यों नारद जी, आप मिल आए मेरे सबसे बड़े भक्त से? हां भगवान, लेकिन मेरी समझ में यह अब तक नहीं आया कि रामू किसान आपकी पूजा दिन में दो बार करके कैसे आपका सबसे बड़ा भक्त हो गया। अच्छा यह बताइए, इस कटोरे में से कितना दूध छलका है? जरा भी नहीं, मैं पूरे रास्ते इसे ध्यान से पकड़े हुए था। अच्छा तो यह बताइए कि आपने आज मेरा नाम कितनी बार स्मरण किया? भगवान, आज मेरा ध्यान तो इस कटोरे पर लगा था, इसी कारण मैं आपका नाम स्मरण नहीं कर सका। वाह नारद जी वाह। आप स्वयं ही सोचिए कि रामू किसान के पास समय नहीं है, फिर भी उसने दो बार मेरी पूजा करने का नियम तो बना रखा है। विष्णु जी बोले। इतना सुनते ही नारद जी का अहंकार चूर चूर हो गया। वह विष्णु जी के आगे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए बोले, भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे मन में आया अहंकार समाप्त हो गया है। यह सुनकर विष्णु जी मन ही मन मुस्कुराने लगे।